दोस्तों आज हमारे पास आ चुका है वन प्लस की नॉर्ड सीरीज का एक और लेटेस्ट फोन, ये है वन प्लस नॉर्ड 4। आज की वीडियो में करेंगे इस फोन की अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस, आपको दिखाएंगे क्या कुछ नया किया है वन प्लस ने अपने नॉर्ड सीरीज के इस फोन के अंदर। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके लिए इसी तरह से अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस की वीडियोस हम लोग लाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द बॉक्स दोस्तों, वन प्लस नॉर्ड 4। तो ये आप देख सकते हैं, ये है नॉर्ड 3 का बॉक्स और ये है लेटेस्ट नॉर्ड 4 का बॉक्स। कलर्स एकदम रिवर्स हो चुके हैं। तो ये हमारा दोस्तों काफी सस्ता सा कटर, इससे हम कट करेंगे। लेट्स अनरैप दिस बॉक्स। के बैक साइड आप देख सकते हैं लिखा है वन प्लस नॉर्ड 4 और 8GB रैम 256GB स्टोरेज। इसमें आपको बेस वेरिएंट 128GB का भी मिल जाएगा। कलर इज ओएसिस ग्रीन। सो लेट्स ओपन द बॉक्स इन टेक थेरेपी स्टाइल। बॉक्स ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा होपफुली एक केस, जी हाँ एक ट्रांसपेरेंट केस, और यहाँ पे है सिम इजेक्टर पिन और है नॉर्ड का एक कार्ड, नॉर्ड 4। जी हाँ, वी हैव मेंबरशिप कार्ड एज वेल, रेड केबल क्लब, एक है क्विक स्टार्ट गाइड और ये रहे हमारे स्टिकर पैक। और ये दोस्तों एक ट्रांसपेरेंट टीपीयू केस। लास्ट ईयर कलर्ड केस आए थे बट इस बार एक ट्रांसपेरेंट केस दिया गया है। इस केस के जो बॉर्डर्स है दोस्तों ये ट्रांसलूसेंट है और जो बैक है ये ट्रांसपेरेंट है। बाकी इसको लगा के देखेंगे अभी। देन वी हैव आर फोन इटसेल्फ, वन प्लस नॉट 4। देन वी हैव पावर एडेप्टर, 100W सुपर बुक चार्ज, साथ में है टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल। सो दैट्स ऑल, बॉक्स कंटेंट खत्म हो गए। तो चलिए फोन को निकालते हैं पैकेजिंग से। ओके क्या बात। तो ये है दोस्तों वन प्लस नॉर्ड 4, एकदम नए डिजाइन में इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों अगर आप प्रीवियस सीरीज से कंपेयर करेंगे तो कैमरा मॉड्यूल तो एकदम ही चेंज हो चुका है। अब ये आपको दोबारा से हॉरिजॉन्टल शेप में कैमरास दिखाई दे रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज ये है कि वन प्लस ने यूनिबॉडी डिजाइन को यूज करा है और ये मेटल बैक के साथ आता है। इसमें आपको ये जो एरिया है वन प्लस वाला, यहाँ पे आपको मेटल फिनिश मिलता है और जो कैमरा मॉड्यूल है ये ग्लास फिनिश में दिया गया है। तो डुअल पैटर्न डिजाइन है इसके बैक में। कलर की बात करें तो हमारे पास है ओएसिस ग्रीन कलर। इसमें आपको दो कलर और मिल जाते हैं, एक है ब्लैक और एक है सिल्वर फिनिश वाला। और ये जो यूनिबॉडी डिजाइन है दोस्तों इसका, ये काफी प्रीमियम लग रहा है और वन प्लस ने काफी टाइम के बाद एक मेटल बैक यूज करी है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वाला कलर कैसा लगा। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है नॉर्ड सीरीज का प्रीमियम अलर्ट स्लाइडर का फंक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है हमारे पास अलर्ट स्लाइडर का स्विच। राइट साइड में यहाँ पे पावर बटन दिया गया है, उसके ऊपर वॉल्यूम के बटन्स हैं और यहाँ पर आपको एंटीना वेंट्स मिल जाएंगे। टॉप की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको आईआर ब्लास्टर मिल जाएगा, एक माइक्रोफोन है, साथ ही में एक स्पीकर भी दिया गया है। बॉटम पे आते हैं तो यहाँ पे आपको सिम कार्ड ट्रे मिलती है, एक माइक्रोफोन मिलता है, देन वी हैव टाइप सी पोर्ट, साथ में स्पीकर की ग्रिल भी मिल जाती है। और इस फोन में वन प्लस ने डॉल्बी स्टीरियो स्पीकर्स यूज करे हैं। तो चलिए पावर ऑन कर लेते हैं फोन को। वैसे यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी मिल रहा है और ये जो ट्रांसपेरेंट कवर आता है दोस्तों इसको भी मैंने अप्लाई कर दिया। और एक बार देख लीजिए कि केस लगाने के बाद ये फोन कुछ ऐसा दिखता है, ये आप लोग देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट इसलिए इसको किया गया है मे बी ताकि जो बैक में मेटल का फिनिश है ये आपको दिखे प्रॉपरली। प्रोटेक्शन आपको ठीक ठाक मिल जाएगी इस केस के साथ। फटाफट से फोन को सेटअप कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले ही मिलता है। प्लेसमेंट सेंसर की काफी नीचे की तरफ की गई है डिस्प्ले पे। तो हेयर वी आर ऑक्सीजन ओएस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हालांकि ये काफी हद तक कलर ओएस ही हो चुका है बट फिर भी ऑक्सीजन ओएस कहते हैं वन प्लस में। सो सेटअप कंप्लीट हो चुका है और ऐप फिक्स करने के लिए फटाफट से नोटिफिकेशन भी आ गया है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 6.74 इंचेस का एक एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। बेजल्स आप देख लीजिए काफी कम है इस डिस्प्ले के ऊपर और ये एक 10 बिट का पैनल है, HDR को सपोर्ट करता है। बट सबसे बेकार चीज जो मुझे सामने की तरफ दिखाई दे रही है वो है दोस्तों प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस। यहाँ पे कुछ गेम्स पहले से इंस्टॉल्ड है, साथ ही में कुछ एप्लीकेशंस लिंक्डइन, मिंत्रा और एगोडा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वन प्लस के एक प्रीमियम सेगमेंट के फोन में। हालांकि वन प्लस के किसी भी फोन में एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वन प्लस एक क्लीन ओएस के नाम से जाना जाता है, बट अब नहीं जाना जाएगा क्योंकि नॉर्ड सीरीज के अंदर भी ये ब्लोटवेयर आ चुके हैं। मे बी इसी वजह से इसकी प्राइसिंग इस बार 30K के अंदर आ चुकी है आफ्टर ऑल दी ऑफर्स। अबाउट सेक्शन में आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ऑक्सीजन ओएस 14.1। वेरिएंट की बात करें तो हमारे पास है 8GB रैम 256GB का वेरिएंट। इसमें आपको बेस वेरिएंट भी मिल जाएगा 128GB का बट वहाँ पे UFS 3.1 आएगा, यानी कि जो स्टोरेज टाइप है वो स्लो यूज करा गया है बेस वेरिएंट में। प्रोसेसर के ऊपर आए तो यहाँ पे मेंशन है स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 3, काफी पावरफुल चिपसेट है ये प्राइसिंग के हिसाब से। बैटरी आप देख सकते हैं 5500mAh आ जाती है, 8GB की रैम यहाँ पे मेंशन है। कैमरा यहाँ पे है 50+8MP के रियर में, फ्रंट कैमरा है 16MP का, एंड्रॉइड वर्जन है 14। बाकी काफी फास्ट तो लग ही रहा है, इसमें कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बेकार चीज जस्ट मुझे यही लगी कि इसमें फालतू की एप्लीकेशंस इस बार वन प्लस ने दे दी है। अब सीधा चलते हैं कैमरा की ऐप के अंदर। तो कैमरा एक बार देख लीजिए। तो ये इसका मेन कैमरा,
1X और 2X का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का है तो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। फ्रंट कैमरा पे आते हैं तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाएगा, तो सोनी का कैमरा आप इस तरीके से देख सकते हैं। शटर स्पीड देख लेते हैं, शटर स्पीड काफी फास्ट है, क्या बात है, ये चीज बढ़िया है। यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, फोटो मोड है। वीडियो के ऊपर आते हैं तो वीडियो में हमें देखने को मिलता है फ्रंट में 1080p 30fps। अभी भी 30K के फोन में 4K का ऑप्शन OnePlus ने नहीं दिया है। रियर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको 4K 60fps का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए, एक चीज अच्छी है इस फोन में कैमरा के मामले में। बाकी आपको मोर के ऑप्शन में नाइट मोड मिलेगा, हाई रेजोल्यूशन मोड है, पैनोरमा है, फिल्म है, स्लो मोशन है, काफी सारे मोड यहाँ पे दिए गए। तो अपने डेडपूल की हम फोटो लेंगे 1X में और लेंगे 2X में, तो फोटो यहाँ पे सही आ रही है। इंडोर लाइटनिंग कंडीशंस में फोटो सही आ रही है फिलहाल तो। जी हाँ, डिटेल्स भी अच्छी हैं। तो यहाँ पे लेंगे पोर्ट्रेट शॉट 1X एंड 2X। तो पोर्ट्रेट भी दोस्तों काफी सही आ रहा है, एज डिटेक्शन भी ये कर ले रहा है। ये 2X वाला शॉट देख लीजिए, ये वाला 2X है, इतना आप लोग अभी देख पाए। तो ये था दोस्तों OnePlus Nord 4 का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशंस का एक वीडियो। इसका डिटेल रिव्यू आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा, अभी फोन जस्ट रिसीव ही हुआ है।